बीजेपी के साथ गठबंधन करने के ऐलान के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मुद्दे पर घेर लिया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। कैप्टन ने कहा कि माकन 1984 के सिख विरोधी दंगों के मुख्य आरोपितों में से एक ललित माकन के भतीजे हैं। माकन को चुनने का फैसला गलत है। कैप्टन ने कहा कि केंद्र सरकार एक अन्य गुनहगार सज्जन कुमार को सजा दिलाने की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस माकन को पुरस्कार दे रही है और वह भी पंजाब के लिए। ये पंजाबियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। इसके पहले शिरोमणि अकाली दल जब भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरता था तो कैप्टन ये कहते हुए उनका बचाव करते नजर आते थे कि जब 1984 के दंगे हुए थे तब राहुल गांधी मात्र 10 साल के थे, उन्हें इस मुद्दे से दूर रखा जाना चाहिए। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस का ये फैसला पंजाब में बगावत का कारण बन सकता है। माकन स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनने लायक व्यक्ति है भी नहीं, जिसमें अंबिका सोनी और सुनील जाखड़ जैसे वरिष्ठ नेताओं को उनके अधीन रखा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की लगातार दो बड़ी हार, इसके लिए माकन भी हैं जिम्मेदार। जिस व्यक्ति ने दिल्ली में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कर दिया है, अब उसे पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में कोई भी राज्य में पार्टी के भविष्य का अंदाजा लगा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि पार्टी ने चुनाव से पहले अपनी हार को स्वीकार कर लिया। शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार 1984 के सिख कत्लेआम के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ नेताओं के परिजनों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने पर तुला हुआ है। अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर कांग्रेस ने यही संदेश दिया कि वह ऐसे तत्वों को संरक्षण देना जारी रखेगी। विक्रम मजीठिया ने कहा कि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सिखों के खिलाफ हिंसा करने के लिए 277 व्यक्तियों को नामित किया था, जिसमें ललित माकन का नाम तीसरे नंबर पर था। मजीठिया ने ये साबित किया कि 1984 में सिखों की हत्या करने वाले नेताओं को बार बार शीर्ष पदों पर पुरस्कृत करना गांधी परिवार की नीति है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार की तरफ से सभी मांगों को पूरा करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के पास आंदोलन खत्म करने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। लेकिन इसमें भी राकेश टिकैत जैसे कुछ नेता पेंच फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत को तो खैर सरकार के लिखित प्रस्ताव पर भी भरोसा नहीं है। इससे साफ है कि राकेश टिकैत चाहते क्या है। लेकिन राकेश टिकैत जो भी कहें, आंदोलन खत्म होने का ऐलान करना संयुक्त किसान मोर्चा की मजबूरी बन गई है। सरकार ने किसानों की मांगों पर प्रस्ताव भेजा है। किसानों ने इनमें से कुछ पर आपत्ति जताई है, कुछ सहमत भी हुए हैं। इसको लेकर किसान मोर्चा की ओर से कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। इससे पहले किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी। इस दौरान सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। सरकार ने किसानों को उनकी मांगों को लेकर एक प्रस्ताव भेजा। इस पर किसान संगठनों ने 5 घंटे तक चर्चा भी की। किसान संगठन कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब इसे सरकार ने वापस ले लिया है। हालांकि किसान अभी MSP पर कानूनी गारंटी चाहते हैं और इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किसानों पर दर्ज केसेस को वापस लिए जाने की मांग है। इसके अलावा अब किसानों की मांग है कि लाल किला हिंसा में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केसेस भी वापस लिए जाए। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक MSP पर PM मोदी के बाद कृषि मंत्री ऐलान कर चुके हैं कि कमेटी बनाई जाएगी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे, साथ ही किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। इसमें कृषि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जहां तक आंदोलन की बात है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार आंदोलन के खत्म होते ही केस वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि जैसे ही आंदोलन वापस होगा, जिस विभाग ने केस दर्ज किया है वह अपने आप केस वापस ले लेंगे। जहां तक मुआवजे की बात है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है। पंजाब सरकार मुआवजे को लेकर पहले ही ऐलान कर चुकी है। जहां तक बिजली बिल की बात है, इसमें सभी पक्षों का विचार सुना जाएगा। इसके बाद संसद में बिल पेश किया जाएगा। पराली जलाने पर सरकार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम में किसान को आपराधिक केस से छूट दी गई है। लेकिन किसानों ने सरकार के प्रवक्ता के 3 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। किसानों का कहना है कि जो लोग कृषि कानून की ड्राफ्टिंग में शामिल थे, उन्हें MSP पर कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल संगठनों को ही इसमें जगह दी जाएगी।
मतलब ये कि किसान मोर्चा नहीं चाहता कि कमेटी में दूसरे किसान नेता शामिल हों। किसानों का कहना है कि पहले केस वापस ले सरकार, इसके बाद आंदोलन वापस लिया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार सैद्धांतिक रूप से मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया, वैसे ही आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। प्रस्ताव को लेकर किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री से अमित शाह की ओर से प्रस्ताव मिला है, ये बातचीत की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केस वापस लेने से पहले किसानों के सामने शर्त रखी है, यही मुख्य समस्या है। योगेंद्र यादव ने कहा कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं। हम आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं। हम खुले दिमाग से मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर किसान नेता सरकार के प्रस्ताव को मानकर आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं, जबकि राकेश टिकैत समेत किसान नेताओं का एक गुट इसके लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के निरस्त होने के बावजूद आंदोलन जारी रखने और उसे तेज करने के राकेश टिकैत के दावों की हकीकत की पोल दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर्स शाहजहांपुर, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में खुलती दिखती है। किसान आंदोलन जारी रखने या फिर खत्म करने को लेकर असमंजस की स्थिति में प्रदर्शनकारियों को भी परेशानी होने लगी है। प्रदर्शनकारी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आंदोलन खत्म करना है या फिर लंबे समय की तैयारी करनी है। इस असमंजस के चलते दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा के सिंघू कुंडली बॉर्डर पर किसान अब धीरे धीरे वापस अपने घरों को जाने लगे हैं। आलम यह है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की मौजूदगी के बावजूद यूपी के गाजीपुर बॉर्डर किसानों की संख्या 100 से नीचे आ गई है। यहां कुछ ही किसान प्रदर्शनकारी नजर आए, जबकि रात से ही यहां किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। कहा जाता रहा है कि जब भी राकेश टिकैत यहां पर आते हैं तो प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि सरकार से पूरा हिसाब किताब लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, टिकैत अब सरकार से नई ट्रैक्टर की मांग करने लगे हैं। टिकैत ने कहा कि सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं, उनका जवाब मिलने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे पर सरकार से बैठकर वार्ता की जाएगी। अभी कोई आंदोलन वापस लेने की गारंटी नहीं लेगा। उत्तराखंड और पंजाब के 50 से अधिक प्रदर्शनकारी लौट गए। हाईवे पर लगे ज्यादातर तंबू खाली रहे। तंबुओं में 2-4 प्रदर्शनकारी दिखे। फ्लाईओवर के नीचे लगे तंबुओं में प्रदर्शनकारियों की कुछ संख्या दिखी। वह बैठकर आपस में प्रदर्शन को लेकर चर्चा करते रहे। सभी ने दबी जुबान में कहा कि अब प्रदर्शन खत्म ही समझो। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।